नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को नगर परिषद हमीरपुर के विभिन्न वार्ड से प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई तथा जनादेश मिलने पर अपने अपने वार्ड में विकास कार्यों को गति देने का भी दावा किया। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी राजकुमार गौतम ने कहा कि वार्ड नंबर 10 में सीवरेज और सड़कों की बहुत अधिक समस्या है। इसके समाधान के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहेंगे। यदि उन्हें जनादेश मिलता है तो इन समस्याओं का वो प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेंगे। दीजिए आप अपना पहले परिचय दीजिए अपना पहले कौन से वार्ड से? राजकुमार गौतम वार्ड नंबर 10 आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट रिटायर्ड HPSC VSB। सर क्या आपका जो प्राथमिकता रहेगी अगर आपको जनादेश मिलता जीत कराते हैं तो? मेरी यही रहेगी कोई सड़क का कोई काम नहीं हुआ है, सीवरेज का कोई काम नहीं हुआ है, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस। इन समस्याओं का निपटारा करेंगे? इन्हीं समस्याओं का निपटारा करेंगे। सड़क का कोई काम नहीं हमारे इसमें हुआ है, वैसे ही है रास्ते बिल्कुल कटे, नालियाँ और सीवरेज, ये मेरी प्राथमिकता है। ठीक। आपको बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशी अपने वार्ड के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। नामांकन के अंतिम दिन के बाद अब कैंपेन शहर में शुरू हो जाएगा, जिसके तहत प्रत्याशी अब घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील करेंगे। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र टोच की रिपोर्ट।